सुरंग का पता चलते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद एएसआई के सर्वे में पता चला कि यह सुरंग 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी की है। ये वही समय था जब दिल्ली पर खिलजियों का शासन था। जानकारों का मानना है कि धनुष के आकार के दिखने वाले इस सुरंग के नीचे तहखाना हो सकता है या फिर इससे जुड़ा कोई खुफिया रास्ता भी यहां मौजूद हो सकता है। फिलहाल एएसआई सुरंग से जुड़े तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करके इसकी पड़ताल में लगी है। जानकारी के मुताबिक एएसआई के एक्सपर्ट आने वाले दिनों में सुरंग के आगे के हिस्से की खुदाई करेंगे। पता चल सकेगा किसका रास्ता खुलता कहां है और यहां खिलजी वंश के और कितने राज दफन हैं। इस गुफा में हालांकि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम जगह है, लेकिन इस गुफा के शुरुआती दौर में अगर आप समझें तो ये धनुषाकार है। इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ और किले का निर्माण कैसे हुआ ज़रा समझिए। हुआ यूँ कि 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से बहुत ज़रा परेशान था और सेल्जुक जो यूरोपीय वंश के लोग थे वो वहाँ से मंगोलों से परेशान होकर जब भारत में आए तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगी। सेल्जुकों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो बहुत ही अच्छे शिल्पकार थे और किला निर्माण या गुफाओं के निर्माण या फिर सुरंगों के निर्माण में उनसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता था, और इसीलिए सेल्जुकों ने उस समय जिम्मेदारी संभाली और जितने किले आप इस समय देखते हैं 13वीं शताब्दी के और ख़ासकर इस प्रकार के धनुषाकार सुरंग, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण आज की डेट में किया जा सकता है। आप अगर इसकी बनावट देखेंगे तो आपको एक हाथ ऐसे रखिए, दूसरी तरफ ऐसे रखिए और ये धनुष का आकार है। शायद आपको इस प्रकार की पोजीशन कहीं नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा अगर थोड़ा और समझें तो देखिए अंदर की तरफ भी आप देखेंगे तो पूरे की पूरा हिस्सा खाली नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ एक रास्ता दिया गया है अंदर जाने का सामने की तरफ। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे की तरफ दूसरा रास्ता दिया गया है और ये तीसरा रास्ता दिया गया, यानी साफ है कि ये तीन रास्तों से सुरंग जुड़ती है। ये भी हो सकता है कि जो 17 सुरंगों का जंजाल कहा जाता है ये सारी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ती नज़र आ रही हों, और इसीलिए इन सुरंगों को निर्माण इसलिए किया गया कि हो सकता है कि जब भी ऐसी परिस्थिति बने आक्रमणकारी आए तो कहीं ना कहीं भागने में मदद मिल पाए और ये सुरंगों का जाल ऐसा हो कि अगर कोई पीछा करता हो इसके अंदर चला जाए तो समझ ही ना पाए कि आखिर रास्ता कहाँ जाता है।